वो सवाल तो आज मैं आपको बताता हूँ कि वॉशिंग मशीन में अगर पैसे डालेंगे तो उनका क्या होगा। पहले ये मुझे बताओ, सबके घर में वॉशिंग मशीन में पहुँचते कैसे हैं पैसे? स्टेप नंबर, मैं आपको रूल्स बताते हूँ सारे। स्टेप नंबर वन, जब भी आप कपड़े धो रहे हो तो उससे पहले पॉकेट चेक करो। हाँ। और स्टेप नंबर टू, खासतौर से पापा के पॉकेट। हाँ। स्टेप नंबर टू, अपनी मम्मी को बोला करो कि उसे पहले पैसे तो नहीं है, चेक कर लो। वो मम्मी इतनी जल्दी में रहते हैं, वो शाम कपड़े उठाते हैं वॉशिंग मशीन में डाल देती हैं और ऐसा हो जाता है। कितनी बार हो चुका अपने पास? कम से कम 20 या 30 बार। 20-30 बार अपने साथ हो चुका है और ये सबके यहाँ हो जाता है भाई। सबके यहाँ, मतलब वो यूट्यूबर नहीं है सौरभ जोशी, उसके पास भी एक बार ऐसा ही हुआ। उसके साथ भी हो गया था? हाँ। बताओ अब पॉकेट, मतलब उसके जेब में पैसे थे, उसने ऐसे ही कपड़े में वॉशिंग मशीन में फेंक दी। और वॉशिंग मशीन चलती रहती है। हाँ। और पूरे नोट खराब हो जाते हैं और ध्यान नहीं आते। नोट पूरे किस गए? अब आप जरा दिखाओ, आज हमें कौन से नोट मिले वॉशिंग मशीन से? 200 रुपीज के हैं, मतलब पूरे रोटी जैसे हो गए। कैसे हो गए? रोटी जैसे, रोटी जैसे नोट हो गए। देखें ये देखो, मतलब समझो जैसे कि ये मेरे पैसे, इनको मैंने ना जेब में डाल दिया। अब मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, ये वॉशिंग मशीन लो, मैंने ऐसे ही डाल दी, ठीक है, अपनी पैंट मैंने ऐसे ही डाल दी, उसमें पैसे भी हैं, वो भी गए, ये कोई बात होती है? अब सुन लो, मैं आया वॉशिंग मशीन के पास, मैंने अपने पैसे निकाल के यहाँ रखे और अपनी पैंट डाल दी, बस ठीक हो। ये करना था पर ये रात में ना, मैं आया था ना, मेरे उसमें थे लोअर में मनी थे। हाँ। तो लोअर मैंने टांग दिए थे कहीं, तो शायद उस धुलने के लिए मम्मी ने डाल दी। हाँ। तो कैसे पता होगा इसका, कैसे करेंगे? बस चेक करेगा। कौन चेक करेगा इसको? मम्मी। इसको मम्मी को चेक कर लेना चाहिए ना, जो कपड़े धोता है वो चेक, जो कपड़े धोता है वो चेक कर लेता है। और ये मनी फिर किसका होता है? जो कपड़े धोता है और जो चेक करता है उसको मिलता है, उसी का मिलता है ना। नहीं वैसे तो अगर मनी वेस्ट हो जाएगा वॉशिंग मशीन में, पर अगर जैसे मम्मी ने चेक करती है तो मनी किसका हो गया फिर? मम्मी ले जाती है ना सारा पैसा ही। तो बताओ, और जब पैसे गिर जाते हैं सारे, ठीक है, पैसे कौन मांगा? मम्मी। फिर पैसे मम्मी मांगती है, मतलब देखो कैसे फूल गए पैसे। ये वाला नोट तो उससे भी जाता है, तो ये कैसे फूल गए? कैसे फूल हो गए कैसे? बताओ मम्मी लोग अपना कितना नुकसान कर लेती है ऐसे। और बाद में मांगता कौन है? मम्मी। बोला करो मम्मी से कि पैसे निकाले करो पहले मम्मी को चेक कर लेती हैं वो कपड़े, अगर तो पैसे उनको पहले ही मिल जाते हैं, वो तो ये बच गए, नहीं तो लोगों के बहुत सारे नोट फट जाते हैं पानी में। मतलब यहाँ से ये जो कॉर्नर है इसका, पतली सी जो चीज है ना, ये पता है ये फट जाती। हाँ बताओ, तो लॉस हो जाता बहुत। तो मतलब जो कपड़े धोता है जो चेक करेगा फिर मनी तो उसी को मिलेगा, तो उसके लिए तो सरप्राइज हो गया। हाँ, पर ये फटे हुए ना, पर चेक तो करना पड़ेगा, पर चेक तो करना है ना। हाँ। बताओ आज आपने बचा लिए नोट, पर ये तब भी फटे नहीं, अब तो सही हो जाएंगे। हाँ, तो अभी किसको दोगे आप रखोगे या मम्मी को दोगे? अब तो इसको ठीक करा के मैं रखूंगा। ठीक करा के आप रख लोगे? 200+200 ठीक है यार, ये तो फिर सबको ध्यान रखना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मेरी तो कम से कम